नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालें इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के जारी किए दिशा निर्देश। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को ड्रोन कराए जाते हैं उपलब्ध। योजना में 2024-25 से 2025-2026 तक 14,500 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने का रखा गया है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक। ललितपुर में होरेड बांध, केन बेतवा लिंक परियोजना, पशुपालन डिप्लोमा और बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने को सरकार ने दी मंजूरी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में किसान अनूठे तरीके से कर रहे हैं अदरक की खेती। वे खेत में नहीं बल्कि बोरियों में उगा रहे हैं अदरक। प्राकृतिक तरीके से की जा रही है अदरक की खेती। दिल्ली में हल्की गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा से परेशान। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार, स्थिति बहुत खराब। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सरकार ने केंद्रीय योजना नमो ड्रोन दीदी के संचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1,261 करोड़ रुपए के योजना खर्च से इस केंद्रीय योजना को स्वीकृति दी थी। इस योजना में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना में 2024-25 से 2025-26 तक के लिए 14,500 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति संचालित करेगी। इस समिति में कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के सचिव शामिल होंगे। ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 80% हिस्सा महिला स्वयं सेवा सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे वे ड्रोन खरीद सकेंगे। इस सहायता की अधिकतम राशि 8,00,000 रुपए है। स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तर के संगठन शेष राशि को राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ऋण के रूप में जुटाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह के किसी एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कृषि पोषक तत्वों और कीटनाशकों के उपयोग का अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरक विभाग राज्य सरकार के विभागों, ड्रोन उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी हितधारकों से कहा है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन के दिशा निर्देशों का सार्थक उपयोग करें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने, ललितपुर में होरेड बांध का प्रस्ताव, केन बेतवा लिंक परियोजना, पशुपालन डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के प्रस्ताव, 2024-25 शीरा नीति, उच्च शिक्षा के अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में नीति, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय में संशोधन विधेयक, लखनऊ में इंग्लिश और विदेशी भाषाओं के संबंध में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के संबंध में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी। इसके अलावा निवेश को बढ़ाए जाने के लिए फॉरेन इक्विटी में लोन को भी ऐड किए जाने और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्चून को अब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत गैजेट प्राइवेट लिमिटेड को वित्त पोषित किए जाने का प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में संशोधन का प्रस्ताव और जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव को बैठक में मंजूर किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
बाढ़ जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु ग्राम हरिया खेवा परगना बागपत तहसील व जिला बागपत की ग्राम सभा की 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपद बागपत में पूरा महादेव में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना सार्वजनिक निजी सहभागिता के अंतर्गत निवेशकों के माध्यम से कराया जाना है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के किसान अनूठे तरीके से अदरक की खेती कर रहे हैं। वे खेत में नहीं बल्कि बोरियों में अदरक की खेती कर रहे हैं। अदरक की ये खेती प्राकृतिक तरीके से की जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी प्रखंड स्थित रुल्ही में एक ऐसे किसान हैं जो अदरक की अनूठी खेती करते हैं। वो खेत में नहीं बल्कि बोरियों में अदरक उगा रहे हैं। इनके पास जमीन नहीं है पर वो खेती करने का पूरा जज्बा रखते हैं और अनूठी तकनीक से एक छोटे से कैंपस में शून्य लागत में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। किसान बसंत कुमार दास अभी 225 बोरियों में अदरक की खेती कर रहे हैं। अभी बोरा किए हैं लगभग 225 बोरा में है। अभी तो रोड साइड में होने के कारण बहुत लोग व्यापारी लोग आ रहा है कि आप बेचिए। अभी बेचने का मेरा अथी नहीं है, पवनी में बेचेंगे छठ पूजा में। किसान बसंत कुमार दास बताते हैं कि इस विशेष खेती की तकनीक की प्रेरणा उन्हें YouTube से मिली। पहले उन्होंने इस खेती को थर्माकोल के डिब्बे में शुरू किया, इसके बाद बोरियों में खेती करनी शुरू कर दी। एक बोरी में 1.5 से लेकर 2 किलो तक अदरक उगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी आने पर सभी बोरियों को छत पर भी रखा जा सकता है। सबसे पहले तो हमको प्रेरणा मिला यूट्यूब से। थर्मोकोल वाला बक्सा में थोड़ा सा रुपए थे, उसमें हमको जो है सो कि बहुत अधिक फलन मिला। और इसमें सबसे बड़ा खूबी है कि थोड़ा सा जगह में बहुत अच्छे तरह से खेती कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ दहाने वाला एरिया है बाढ़ ग्रसित, तो ये बोरा को हम उठाकर ऊपर भी रख सकते हैं, जहाँ मन करे तहाँ रख सकते हैं। और इसमें हम जो है सो कि सिर्फ जैविक पद्धति से किए हैं, इसमें कोई भी 1% भी इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। जैसे कि ये बना रहे हैं अपने से वर्मी कंपोस्ट, केला का पत्ता है, ये देखिए सरा हुआ केला का पौधा है, ये देखिए गोबर है ना, ये देखिए वर्मी भी है इसमें, यही देखिए वर्मी। सर्दियों में अदरक की मांग बाजार में काफी रहती है। अदरक को चाय से लेकर सब्जी बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इससे सौंठ बनाई जाती है जिसका बाजार में कच्ची अदरक से ज्यादा भाव मिलता है। इस तरह देखा जाए तो अदरक की खेती से किसान आसानी से बेहतर कमाई कर सकते हैं। अदरक को औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग सर्दी जुकाम खांसी पीलिया सहित पेट के अनेक रोगों में भी होता है। इस तरह देखा जाए तो अदरक की खेती करके किसान काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। और केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने और आम लोगों को राहत देने के लिए NCCF और नेफेड के माध्यम से सस्ती दरों पर चावल और आटा बेचने की शुरुआत की है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ब्रांड के अंतर्गत चावल 34 रुपये प्रति किलो और आटा 30 रुपये प्रति किलो की दर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर सरकार खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी करती है और बाजार में कीमतें बढ़ने पर मूल्य स्थिरीकरण निधि से सस्ती दरों पर लोगों को दालें चावल और आटा उपलब्ध करवाया जाता है। बलरामपुर चीनी मिल्स के 18वें गन्ना पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद साहा, उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ इकाई प्रमुख योगेश कुमार सिंह मौजूद रहे। चीनी मिल के तौल कांटे पर गन्ना लाने वाले कृषकों को फूलमाला व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। पेराई सत्र 2023-24 के तहत चीनी मिल में सर्वाधिक कर्मशा गन्ना आपूर्ति करने पर कृषकों को चैक कंबल मिष्ठान सहित अन्य उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। इकाई प्रमुख ने उपस्थित किसानों को अपने संबोधन में बताया कि गुलरिया चीनी मिल के इतिहास में किसान भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए पहली बार 4 नवम्बर को पेराई सत्र का शुभारम्भ किया गया है।
यह आप सभी के सहयोग से ही संभव हो सका है और विकास उद्योग के लिए दोनों आवश्यक हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शरतकाल में उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की बुआई अधिक से अधिक क्षेत्र में करें। हरियाणा में प्रतिबंध के बावजूद धान की पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। फतेहाबाद जिले पुलिस द्वारा पराली जलाने के आरोप में सोमवार को 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 14 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। स्मॉग की चादर से घिरा फतेहाबाद में सोमवार सुबह से ही घने स्मॉग की चादर है, जिसकी वजह से फतेहाबाद क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 के करीब पहुँच चुका है, जो वायु प्रदूषण की बेहद खराब स्थिति मानी जाती है। हालात ये हैं कि फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी, जुकाम आदि के मरीजों से ओपीडी भर गई है। अब तक जिले भर में 65 से ज्यादा लोकेशन सामने आ चुकी हैं जहां पराली जलाई गई। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह आंकड़ा कम है, लेकिन वायु प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा है। और 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही गंगा घाट व अन्य नदियों के किनारे स्नान करने के लिए छठ व्रतियों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में दिल्लीवासी यमुना के प्रदूषित जल में पूजा अर्चना और आस्था की डुबकी लगाने को विवश हैं। सरकार की ओर से व्रतियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया। व्रती खुद ही झाग को किनारे लगाकर गंदे पानी में उतरकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। बता दें कि यमुना नदी का पानी बेहद प्रदूषित है। पानी में बन रहा सफेद झाग श्रद्धालुओं को कई तरह की समस्याएं दे सकता है। बता दें आपको कि दिल्ली में जहां जहां से यमुना गुजरती है वहां वहां बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हैं जिनका केमिकल वेस्ट बिना फिल्टर यमुना के पानी में मिलता है। शहर का गंदा पानी भी सीधे नदी में ही आता है, जिससे ये पानी काला हो जाता है और झाग बनने लगते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार घरेलू और औद्योगिक कचरे से फास्फेट और सर्फेक्टेंट वाले डिटर्जेंट होते हैं जो झाग को बढ़ाने का काम करते हैं। केमिकल्स यमुना नदी के पानी की सतह पर तनाव कम कर बुलबुले और झाग को बढ़ावा देते हैं। बिना ट्रीटमेंट वाला सीवेज नाइट्रेट्स और फास्फेट से प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है और झाग ज़्यादा बनने लग जाते हैं। वैज्ञानिक खास तरह से फिलामेंट्स बैक्टीरिया को भी इस झाग का कारण मानते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सेहत को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिल्ली में हल्की गुलाबी ठंड ने जहां दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा से भी परेशान हैं। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 457 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। वहीं रोहिणी में 405, मुंडका में 414 और पंजाबी बाग में 403 रहा। इसके अलावा अलीपुर नरेला में AQI 300 और ITU के पास दर्ज किया गया। इस तरह के दमघोटू वातावरण में बड़ों के साथ ही बच्चों के लिए भी सांस लेना दूभर हो रहा है। ऐसे में दिवाली की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल फिर से बंद किए जा सकते हैं। वैसे सोमवार 4 नवंबर से स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में असेंबली नहीं हो रही है। इसके अलावा बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ और PT क्लासेस को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों में बच्चों को मास्क लगाकर आने के लिए कहा गया है। पेरेंट्स को भी सलाह दी गई है कि इन हालात में वे बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें खेलने और अन्य एक्टिविटीज़ के लिए बाहर ना जाने दें और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करें। डॉक्टर्स की माने तो जहरीली हवा में सांस लेना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली में इन दिनों कावेरी मीट्स गंगा सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को सांस्कृतिक माध्यम से एक करने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। 2 तारीख से शुरू हुए इस कार्यक्रम में सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत की प्राचीन संस्कृति का डंका बज रहा है। भारत को लेकर विश्व में सम्मान स्थापित हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की।
हम एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं जब देश परिवर्तन के रास्ते पर है, और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने जिस स्पीड और स्केल के साथ में प्रगति की है, भारत के प्रति देखने का नजरिया तो बदला ही है। भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के बुद्धिक कौशल और भारत की ऑल फॉर्म ऑफ आर्ट, सबके प्रति सम्मान पूरे विश्व भर में एक बार फिर स्थापित होने लगा है। हमारी संस्कृत से लेकर के हमारी संस्कृति तक, हमारे योग से लेकर के हमारे आयुष परंपराओं तक, सभी विषयों पर एक बार जब पूरे विश्व का सम्मान और पूरे विश्व की दृष्टि बदली है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में बीते शनिवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपए, सोमवार को इसके भाव में 225 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की जहानाबाद मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 नवंबर को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2,650 रुपए, 4 नवंबर को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 2,625 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की ब्यावर मंडी में 2 नवंबर को बाजरे का भाव था 2,400 रुपए, 4 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,450 रुपए। देश के दूसरी मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,300 रुपए, कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,270 रुपए, महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बाजरा 3,050 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान के जोधपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,750 रुपए पर हुए। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इस साल 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बता दें कि खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डाले तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं बात आवक की करें तो 4 नवंबर को कुछ ही मंडियों में ज्वार की आवक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की उत्तरी पुरा मंडी में 2 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 2,625 रुपए, 4 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 2,625 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की ब्यावर मंडी में भी ज्वार के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। यहां 2 और 4 नवंबर को ज्वार 2,600 रुपए पर बिकी। देश की दूसरी मंडियों में ज्वार के भाव की बात करें तो सोमवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,700 रुपए, कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए, मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में ज्वार 2,651 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में ज्वार के सौदे 3,850 रुपए पर हुए। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है।
सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में वृद्धि भी होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की MSP 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। वहीं मालदंडी ज्वार की MSP में 196 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी MSP 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। यानी इस साल खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई में 1,10,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाके में उन्नत किस्म के देसी चने की बुवाई करें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई करें और उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। आंध्र प्रदेश के जिन इलाकों में पिछले दिनों भारी बारिश की वजह से फसल खराब हो गई है, वहाँ के किसान धान की नर्सरी बोने का काम करें। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पिछले हफ्ते अच्छी खासी बरसात हुई है, जिसकी वजह से खड़ी फसलों में पानी भर गया होगा। किसानों को सलाह है कि खड़ी फसलों से बारिश का फालतू पानी बाहर निकालें। जब तक खेतों से बारिश का फालतू पानी ना निकल जाए और बुवाई के लिए अनुकूल नमी की स्थिति पैदा ना हो, तब तक रब्बी की फसलों की बुवाई टाल दें। आंध्र प्रदेश के ऊपरी आदिवासी क्षेत्र में खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तेलंगाना में चना, सरसों, मक्का और कुसुम की बुवाई करें। तेलंगाना के किसान मूंगफली की बुवाई भी जारी रख सकते हैं। केरल में तैयार धान की कटाई का काम करें। साफ मौसम के दौरान यहाँ के किसान सब्जियों की बुवाई और रोपाई कर सकते हैं। अगले दो दिन केरल में कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर किसान खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पूर्वी कर्नाटक के शुष्क इलाके में रागी और चने की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान नाइजर, सूरजमुखी, राजमा, लोबिया और काबुली चने की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में भी कुसुम, सूरजमुखी, नाइजर और काबुली चने की बुवाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाके में काबुली चने की बुवाई और मिर्च की रोपाई का काम करें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के किसान इन दिनों ज्वार, काबुली चना और कुसुम की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। एक हेक्टर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सरकोस्पोरा,
पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कैनेडियाई पुलिसकर्मी 18 साल के हरिंदर सोही को पील रीजनल पुलिस ने निलंबित कर दिया है। खालिस्तान के विरोध में शामिल सर्जेंट निलंबित। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। इनमें से जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनेगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रचार अभियान तेज हो गया है। महायुति की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संभाली है। मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण मुडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए बुधवार को पेश होने के लिए तलब किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।